एसएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अच्छी खबर है, और खबर अच्छी यह है कि उनका एडमिट कार्ड जो है वो एसएससी के वेबसाइट पे जारी हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी बच्चों को ये खबर मिल जाए कि उनका एडमिट कार्ड जो है एसएससी के वेबसाइट पे आ गई है और वो इसे डाउनलोड कर देंगे। देखिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो होने जा रही है 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपको ये जो जिस पेज पे मैं इस समय हूँ इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से ये आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है, इस लिंक पे, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 टू बी हेल्ड फ्रॉम 2 अगस्त 2009 टू 22 अगस्त 2019, यानी कि 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 20 दिनों तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट होगी आपको आपको रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन नंबर की, रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर है तो। इसके अलावा आपको आपके डेट ऑफ बर्थडे की रिक्वायरमेंट होगी, और वापस आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी चूज करना है जो कि आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा। आपको एग्जाम सिटी चूज करना जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, और उसके बाद ये आपको कैप्चा ओके करना है, जैसे 9+9 जो होगा वो 18 होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर आपके पास रोल नंबर है, अगर रोल नंबर तो आपके पास तभी होगा जब आप पहले रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर चुके होंगे, तो इसको आप रहने दीजिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर इस समय ध्यान नहीं है और रोल नंबर दोनों, तो भी आप निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से। आपको अपने नाम के शुरू के 4 अक्षर लिखने हैं इस वाले टेबल में, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे आपके पिता का नाम लिखना है इस वाले टेबल में, आपको आपके पिता का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थडे फिल करने के बाद आपको सिंपल सा वही प्रोसेस करना है, कैप्चा मैच करना है, 7+1 करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा सर्च कर देना है। चलिए मैं आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और एक बार बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं फटाफट उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ। वन थ्री सिक्स जीरो टू थ्री, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। कई बार हो सकता है कि ये सर्वर थोड़ा सा डाउन हो, तो घबराइएगा नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, आपका डिटेल जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे सिटी चूज करना है, जैसे इस कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय सिटी अपना पटना डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा 7+1 जो होता है वो होता है 8, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा 8 प्रेस कर दिया है और आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये सर्च हो रहा है और ये कैंडिडेट की जानकारी जो है आ गई है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ गया है, स्टूडेंट के फादर्स नेम आ गया है, एड्रेस आ गया है, इसके अलावा स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया है, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ गई है स्टूडेंट का एग्जाम डेट। स्टूडेंट का एग्जाम 8 अगस्त को होना है सुबह वाले शिफ्ट में 9 से 10 में, और इनका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो पटना होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है कि इनका जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होगा। इनका एडमिट कार्ड जो है वो 1 अगस्त से डाउनलोड होगा, यानी कि एग्जाम से 7 दिन पहले होगा। अभी सिर्फ स्टेटस देख पाएंगे, तो आप भी इस तरह से अपना रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर का है तो वो डाल के दे सकते हैं, और मैं आपको बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का भी एडमिट कार्ड का स्टेटस देखना बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के बताऊँ। सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेता हूँ। मैंने स्टूडेंट के नाम का आगे के चार लेटर टाइप कर दिया है, और उसके बाद फादर नेम के चार लेटर टाइप कर दिया है। उसके बाद सिंपल सा डेट ऑफ बर्थडे पता होना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थडे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद महीना डाल देता हूँ, और जिस सन में कैंडिडेट का बर्थ हुआ वो डाल देता हूँ। ये डालने के बाद सिंपल सा जिस सिटी को कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय चूज किया था वो डाल देता हूँ, और यहाँ पे 6+1=7 कर दिया, और सिंपल सा सर्च पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा इंतजार किया, देखिए जानकारी आ गई। तो आप इस तरह से आप अपना भी डिटेल दे सकते हैं कि आपका कब से एग्जाम है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। चंदन कुमार, बिहार दिल्ली।